चैनल कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज, आज मैं शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक, एंड इस लुक को मैंने क्रिएट किया है स्पेशली करवा चौथ के लिए। सो यू कैन सी कितना सुंदर सॉफ्ट पर्पल आई मेकअप लुक क्रिएट किया है मैंने और करवा चौथ, एंड ये बहुत ही इजी पीजी सा लुक है। इस लुक को क्रिएट करने में कोई तामझाम नहीं होने वाला है। इस लुक को आप सिर्फ आधे घंटे के अंदर क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है आज का मेकअप लुक। एंड हाँ, आज का ये मेकअप लुक लो फाउंडेशन मेकअप लुक भी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है, कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने इस लुक को क्रिएट करने में यूज़ किए हैं वो भी अफोर्डेबल, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो प्लीज कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें करना होता है अपना स्किन केयर, जो कि मैंने ऑलरेडी अपना स्किन केयर कर लिया है। तो आप भी अपना स्किन केयर फॉलो कर लीजिएगा। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने स्किन केयर में, डेली रूटीन में, आप उनको फॉलो कीजिए, उसके बाद ही अपना मेकअप स्टार्ट कीजिएगा। सो चलिए हम आज का मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आई मेकअप से स्टार्ट करने वाली हूँ। आज आई मेकअप हम पहले करेंगे, उसके बाद अपना बेस करेंगे। ओके, तो आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लोएन ब्यूटी का आईब्रो पैलेट। इस पैलेट में आपको एक छोटू सा एंगुलर ब्रश भी मिल जाता है, तो इसके हेल्प से हम अपने आईब्रो को डिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम करता है। तो मैं इसमें से ये ब्राउन वाला शेड लेके अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी, बट उससे पहले मैं अपने ब्राउ को एक बार कोम कर लूँगी इस पोली की हेल्प से। अच्छे से फिल कर लिया है, यू कैन सी अच्छे तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है। देन अब मैं यूज कर रही हूँ ये मैवलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड 05 मीडियम, एंड इसके हेल्प से मैं अपने आई मेकअप को एक बेस दूंगी। इसको मैं अपने पूरे आईलेट पे अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेना आपको, जस्ट थोड़ा सा ही लेके आपको इस तरीके से। अब मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। सो कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, यू कैन सी कितना फ्लॉलेस लग रहा है। एंड आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, एंड आपको काफी अच्छा खासा कवरेज भी मिल जाता है। तो मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। अब मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ ये नायका का ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट इन द शेड 03 बेज, एंड इसके हेल्प से मैं अपने कंसीलर को अच्छे तरीके से सेट कर लूंगी ताकि कोई क्रीज ना पड़े एंड मेरा आई मेकअप भी बिल्कुल भी केकी ना हो या फिर कोई क्रीज लाइन ना पड़ जाए। तो अच्छे तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी, अगर कोई ऐसा अगर क्रीज हो गया होगा तो। सो फॉर द आई मेकअप आई एम यूजिंग ब्यूटी ग्लाइड्स कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ये सबसे पहले ये लाइट पिंक शेड ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड, एंड एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको इस तरीके से लेके डस्ट ऑफ कर लूंगी पहले, एंड देन मैं इसको जस्ट लाइक दिस यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है। अब मैं इस पैलेट से ये वाला सेट पिक कर रही हूँ, ये एंड ये, इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी
ये डार्क पर्पल शेड है एंड ये थोड़ा सा उससे लाइट है, इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। एंड सेम ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई दूसरा ब्रश मैंने नहीं लिया है। एंड अच्छे तरीके से आपको पहले डस्ट ऑफ कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लगे, एंड जो भी एक्स्ट्रा हो इस तरीके से आप डस्ट ऑफ करके निकाल लीजिए। एंड देन मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे जस्ट अपने इनर कॉर्नर के सॉरी आउटर कॉर्नर पे इसको अच्छे तरीके से ऐसे लाइक दिस, इसको आपको इस तरीके से बाहर के साइड से ब्लेंड करना है। अब मैं इस पैलेट से ये लाइट पिंक शेड दे रही हूँ एंड ये एक पर्पल पिंक है, ये दोनों ही सिमरी शेड है, इन दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ। पहले लाइट यूज करूंगी मैं एंड इसको सिर्फ अपने इनर कॉर्नर से लेके यहाँ पे सेंटर तक आऊंगी मैं इस तरीके से। अब मैं वो पर्पल वाला ये शेड यूज कर रही हूँ, सिमरी शेड, एंड सेम इसी के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अब ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं सिमरी शेड के, यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन लाइन जैसा दिख रहा होगा आपको, आपको इसे सिर्फ एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से, क्लीन ब्रश होना चाहिए, आप उसको लेके जस्ट इस तरीके से आप उसको ब्लेंड कर लो, इस तरीके से ब्लेंड कर दीजिए इसके एजेस को लाइक दिस। सो नेक्स्ट मैं ये लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ। प्राइमर के लिए आज मैं ले रही हूँ ये मार्स का प्राइमर एंड इसको मैंने अभी न्यूली परचेस किया है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये इनसाइड का एचडी कंसीलर इन दी शेड 35 एंड ये मेरे स्किन टोन से 4-5 से डार्क है, मैं इसको यूज करती हूँ एज अ कलर करेक्टर। अगर आपके फेस पे थोड़ा बहुत कहीं भी डार्कनेस की प्रॉब्लम है, लाइक अंडर आइज में डार्कनेस है या फिर छोटे मोटे से पिंपल्स के स्पॉट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि डार्क सर्कल हो गया है, तो आप पहले उसको हाइड कर लीजिए अच्छे से कलर करेक्टर की हेल्प से एंड देन अपना फाउंडेशन यूज़ कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आप सोचोगे कि फाउंडेशन ही अप्लाई कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ग्रे होने का चांस रहता है। जहाँ पे ऐसे डार्क है, मान लीजिए कि आपकी अंडर आइज में थोड़ा सा डार्क सर्कल है और आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, तो वो थोड़ा सा ग्रे हो जाता है वहाँ पे, तो आप पहले कलर करेक्टर यूज़ कीजिए उसके बाद ही अपना फाउंडेशन यूज़ कीजिए। तो इसको मैं ब्रश की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ, वही जो मैंने ये फिटमी का कंसीलर यूज़ किया था अपने आई मेकअप को बेस देने के लिए, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। तो अच्छे तरीके से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आईज में ऐसे। जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था कलर करेक्ट करने के लिए, वहां पे भी मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी। अब मैं इसको अगेन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ।
नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड का कॉन्टोर प्लस हाइलाइटर स्टिक, एंड इसमें मेरा सेड नंबर है 01। मैं इसको इस तरीके से ब्रश की हेल्प से अप्लाई करती हूँ, काफ़ी ईजी हो जाता है अप्लाई करना एंड झटपट से लग भी जाता है। ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये जस्ट हर्ब्स की मिनी लिक्विड लिपस्टिक। बेस को सेट करने के लिए अगेन वही कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ नायका का। मेकअप को फिक्स करने के लिए यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर एलोवेरा विथ विटामिन ई, एंड ये नेचुरल है, मीन्स ये है मेकअप फिक्सर नेचुरल। इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी इस तरीके से आई मेकअप को कवर करते हुए। मैं यहाँ पे काजल यूज कर रही हूँ, ये है लैक्मे का इंस्टा कूल काजल, ये आइकॉनिक का इंस्टा कूल लैक्मे काजल है। ये वाला सेड में लेके नेल और लैश लाइन पे थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ छोटे से ब्रश की हेल्प से, लेकिन ये पॉइंटेड ब्रश है छोटा सा। इस तरीके से छोटे से ब्रश की हेल्प से आप अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे फैलेगा नहीं। अब मैं आईलेस कलर से अपनी लैसेस को अच्छे से कर्ल कर लूंगी ऐसे। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैबलिन का पोलोसिल मस्कारा, ये वाटरप्रूफ है एंड बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है आप बोल सकते हो इसको। आपको लोअर लैसेस पे भी मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ओके सो गाइज, मैंने अपने फर्स्ट लैसेस अप्लाई कर लिए हैं ऑफ कैमरा ही, अभी हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिर भी कितना सुंदर लग रहा है। बट नहीं रुकिए, आई मेकअप हाइलाइटर के बिना तो अधूरा ही है, सो चलिए हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ग्लो हाइलाइटर पैलेट इन दी से 01, यू कैन सी। तो हम अपना ब्राउ बोन हाईलाइट करेंगे, ये गोल्डन एंड ये सैम्पियंसा से दोनों को मिक्स करके मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। वाओ, इन कॉलर टिप ऑफ द नोज पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इस वाले ब्रश की हेल्प से चिन पे एंड चीक बोन पे अप्लाई करूंगी। वाओ, मैं थोड़ा सा फोरहेड पे अप्लाई करूंगी लाइक दिस। ओके सो अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो मैं यहाँ ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन दी सेड 02 मैरून, एंड ये बहुत ही प्यारा सेड है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। वाओ, इसकी हेल्प से पहले मैं अपने लिप को अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी एंड थोड़ा सा मैं फिल भी करूँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। Thank you.
उसके लिए अगेन जस्ट हॉप्स का मिनी लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है बट लुक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके एंड थोड़ी बहुत सी ज्वेलरी वेयर करके। फाइनल मेकअप लुक कैसा लग रहा है आपको प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। पर्पल पिंक आई मेकअप प्लस लिप शेड भी बहुत प्यारा लग रहा है इस मेकअप लुक के साथ। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा आज का, प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। एंड इस लुक को आप अपने करवा चौथ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये लुक एंड ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।